Children, now we are revising chapter 5, spatial understanding. Okay? So in this chapter we will use these terms inside, outside, above, below, top, bottom, far near, on under, take ten, and few more. Okay. इनसाइड आउटसाइड क्या होता है चिल्ड्रेन इनसाइड मतलब होता है किसी चीज के अंदर ओके okay? और आउटसाइड मतलब बाहर ओके okay? जैसे कि ये डॉग है ये कहा है कैनल के अंदर है राइट सो दिस इज इन साइड डॉग इज इन साइड डॉग है ये कैनल के बाहर है सो दिस डॉग इज

जो ये बर्ड है ये बटरफ्लाई से क्या है अबव है ऊपर है ओके एंड दिस डॉग इज बिलो द बटरफ्लाई यहां बटरफ्लाई है और ये जो डॉग है उससे बिलो है नीचे है नेक्स्ट इज टॉप बॉटम सो देखिए चिल्ड्रन टॉप क्या होता है सबसे ऊपर ठीक है या किसी चीज के ऊपर ओके okay? जैसे कि दिस बर्ड इज टॉप ऑफ कैनल दिस बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ कैनल ओके ये कैनल के टॉप पे बैठा है ना सो so, हमने यहां पे टॉप का यूज किया है और ये क्या है बॉटम ऑफ द ट्री ये ट्री के नीचे का पार्ट है ओके okay? नेक्स्ट इज फार नियर फार का मतलब होता है चिल्ड्रन दूर ओके okay? और नियर का मीनिंग होता है पास नेक्स्ट है ऑन अंडर ऑन का मतलब होता है चिल्ड्रन जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी होती है जैसे कि देखिए ये एक्स कहां है ऑन ट्री ये ट्री पर है ओके इसमें क्या होता है चिल्ड्रन, जैसे कि देखिए जो एग्स का सरफेस है जो एग्स की एग्स की बास्केट है वो ट्री से टच हो रही है तो हम इसमें क्या यूज करेंगे ऑन का यूज करेंगे ओके नेक्स्ट इज थिक का मतलब होता है चिल्ड्रन, मोटा और थिन का मतलब होता है पतला नेक्स्ट इज फ्यू मोर फ्यू का मतलब होता है थोड़ा कुछ और मोर का मतलब होता है ज्यादा फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड डैश इज नियरेस्ट टू द्री नियर का मतलब होता है पास और नियरेस्ट का मतलब सबसे पास सो कौन सा बर्ड है जो ट्री के सबसे पास में है दैट इज बर्ड क्यू ओके नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड द स्कूल बस इज डैश ये देखिए स्कूल बस है कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बस के अंदर हैं और कुछ बाहर हैं सो आउटसाइड का मीनिंग क्या होता है बाहर ओके okay. सो so, बस के बाहर कितने स्टूडेंट्स हैं यू हैव टू काउंट वन टू थ्री फोर ओके नंबर ऑफ पर्सन इन द स्कूल बस देखिए चिल्ड्रन स्कूल बस के इनसाइड मतलब अंदर कितने पर्सन हैं देखिए वन टू थ्री दैट इज ऑप्शन सी देखिए चिल्ड्रन ये तो है ड्राइवर और ये है टू स्टूडेंट्स अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता नंबर ऑफ पर्सन सॉरी अगर आपसे ये पूछा जाता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनसाइड द स्कूल बस इज तो स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं तो आपका आंसर होता टू ओके okay? क्योंकि ये क्या है ड्राइवर है नेक्स्ट देखिए ये क्या है प्रिंसिपल डोर है और ये क्या है स्टूडेंट्स हैं जो एक क्यू में खड़े हैं जो एक लाइन में खड़े हैं सो द क्वेश्चन इज डैश इज स्टैंडिंग नियरेस्ट टू द प्रिंसिपल रूम डोर सो कौन है जो प्रिंसिपल रूम के डोर के सबसे नियरेस्ट है सबसे पास है सो so, सबसे पास कौन है प्रिंसिपल डोर के रूम से प्रिंसिपल रूम के से ओके, नेक्स्ट स्टैंडिंग प्रिंसिपल्स रूम डोर कौन है वो जो प्रिंसिपल रूम डोर से सबसे दूर खड़ा है फार का मतलब होता है दूर और फार्देस्ट का मतलब होता है सबसे दूर सो so, इन सब में से सबसे दूर कौन है नक्श नेक्स्ट देखिए आपको फिगर गिवन है आर क्वेश्चन इज डैश इज रनिंग नियरेस्ट टू द फिनिशिंग लाइन ये देखिए ये क्या है फिनिशिंग लाइन है सो फिनिशिंग लाइन के सबसे पास में कौन है सतीश नेक्स्ट इज डैश इज रनिंग फार्देस्ट फ्रॉम दिनिशिंग लाइन कौन है जो फिनिशिंग लाइन के सबसे दूर है जो सबसे दूर भागा है फिनिशिंग लाइन के वो है लास्ट में कौन है सबसे दूर कौन है राहुल ये आपकी फिगर में क्या हुई है ब्रिक्स दी हुई है जिनके साइज डिफरेंट डिफरेंट है सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द ब्रिक इज थिकेस्ट कौन सी ब्रिक है जो सबसे थिक है Thick मतलब होता है मोटा और सबसे मोटा और सबसे इन सब इन सब में से सबसे मोटी कौन सी है ब्रिक है जो सबसे थिन है जो थिनेस्ट है मतलब पतली है सो so, कौन सी ब्रिक है वो ब्रिक पी इज okay? नंबर ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग अब ट्री इज डैश देखिए यहाँ एक ट्री है और ट्री के साइड में भी बर्ड्स हैं ट्री के ऊपर भी बर्ड्स हैं मतलब ट्री पे भी बर्ड्स हैं और ट्री के ऊपर भी बर्ड्स हैं ठीक है तो हमें बताना है कि ट्री के ऊपर कितने बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं ओके okay? सो so, ट्री के ऊपर कितने बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव नेक्स्ट इज एक लैडर है ठीक है और उसपे कुछ नंबर्स हैं। सो हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लैडर इज डैश देखिए ये लैडर है तो सबसे टॉप पे मतलब टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर ओके सो कौन सा नंबर है सबसे ऊपर सिक्सटी फाइव और बॉटम का मतलब होता है चिल्ड्रन सबसे नीचे नंबर एट बॉटम ऑफ द लैडर इज नाइनटीन ओके question is this is the figure and you have to solve the questions based on this figure how many frogs are outside the water dekhi ye kya hai water hai aur aapko batana hai कि water के outside में मतलब water के बाहर कितने frogs हैं. okay so you have to count carefully 1 2 3 and 4 हमें वाटर के बाहर देखना है ना तो वाटर के बाहर है फोर फ्रॉग्स नेक्स्ट इज हाउ मेनी फ्रॉग्स आर इनसाइड द वाटर देखिए इनसाइड का मतलब होता है अंदर राइट right? तो वाटर के अंदर कितने फ्रॉग्स हैं वन टू एंड थ्री देखिए बॉल इज कैप्ट डैश द टेबल बॉल कहाँ है टेबल के टेबल के ऊपर है ओके okay, टेबल पे है ना देखो अब बॉल और टेबल का सरफेस टच कर रहा है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑन देखिए डैश इज फ्रॉम द बस फार का मतलब होता है दूर और फार्देस्ट का मतलब होता है सबसे दूर तो बस के फार्देस्ट कौन है सबसे दूर कौन है आरव नेक्स्ट इज एप्पल इज कैप्ड डैश बुक्स एप्पल कहाँ पड़ा है बुक्स के बुक्स के ऊपर पड़ा है बुक्स पे पड़ा है देखिए जो एप्पल और बुक का सरफेस है वो टच कर रहा है इट मींस जो एप्पल है वो बुक्स पे पड़ा है बुक्स के ऊपर पड़ा है सो हम यहाँ यूज करेंगे ऑन ओके चिल्ड्रेन सो मैंने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करा दिया है ओके okay? सो so, आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है और उन्हें फिर से सॉल्व करना है ओके okay? Bye children, have a nice day!